दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक मोबाइल में कनेक्टेड वाईफाई को दूसरे मोबाइल में कनेक्ट कर सकते हो, वो भी बिना पासवर्ड के ही। तो ये काम आप केवल वाईफाई का क्यूआर कोड स्कैन करके कर सकते हो। तो अभी क्या है, मेरे इस मोबाइल में एक वाईफाई कनेक्टेड है। तो अगर मैं यहाँ से दिखाऊं नोटिफिकेशन में, तो देख सकते हो एक वाईफाई कनेक्टेड है। मैं इस पर टैप करके यहाँ से वाईफाई सेटिंग ओपन कर सकता हूँ और कनेक्टेड वाईफाई को देख सकता हूँ। इसके अलावा आप अपने मोबाइल का सेटिंग ओपन करके भी यहाँ से वाईफाई सेटिंग में आ सकते हो। तो इस मोबाइल में जो मेरा ये वाईफाई कनेक्टेड है, मैं इस मोबाइल में कनेक्ट करना चाहता हूँ। इसके लिए यहाँ पे मैं दूसरे मोबाइल में वाईफाई सेटिंग को यहाँ से ऑन कर सकता हूँ, या फिर ये सेटिंग ऐप यहाँ से ओपन करके वाईफाई सेटिंग में आ करके यहाँ से वाईफाई सेटिंग ऑन कर सकता हूँ। तो दोनों ही मोबाइल में मेरा वाईफाई सेटिंग ऑन हो चुका है। अब इस मोबाइल में जो भी मेरा वाईफाई कनेक्टेड है, मुझे इस मोबाइल में कनेक्ट करना है। तो सिंपली यहाँ पे मुझे इस मोबाइल में जिसमें कनेक्टेड नहीं है उसमें स्कैनर ओपन कर लेना है। यहाँ स्कैनर आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे देगा, क्यूआर कोड स्कैनर। इस पे टैप करना है, इस तरीके से आपका क्यूआर कोड स्कैनर क्यूआर कोड स्कैनिंग के लिए ओपन हो जाता है। अब जिस मोबाइल में आपका वाईफाई कनेक्टेड है, कनेक्टेड वाईफाई के ऊपर टैप करना है और आपको वाईफाई का क्यूआर कोड इस तरीके से दिख जाएगा। तो आपको अपने वाईफाई का क्यूआर कोड निकाल लेना है। और जिस मोबाइल में वाईफाई कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड वाईफाई के क्यूआर कोड को यहाँ से स्कैन कर लेना है। यहाँ मैंने स्कैन कर लिया है, स्कैन करने के बाद डन कर लेना है। और अब आप देख सकते हो ये वाईफाई इस फोन में भी कनेक्ट हो चुका है और बिना पासवर्ड के ही कनेक्ट हुआ, बस मुझे क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ा। इस तरीके से आप भी बिना पासवर्ड के ही केवल क्यूआर कोड स्कैन करके दूसरे मोबाइल में कनेक्टेड वाईफाई को किसी और मोबाइल में कनेक्ट कर सकते हो।